आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बात कर रहे हैं एलोवेरा के पौधे, एलोवेरा के फूल और एलोवेरा के बीजों के बारे में। एलोवेरा एक औषधीय पौधा है। यह एक सदाबहार बारहमासी बहुत छोटे तने वाला गूदेदार रसीला पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम एलोबार बाडेसिस मिलर है। यह एस्पोडेलेसी परिवार का पौधा है। इसके अन्य नाम हिंदी में इसे घी कुआर, ग्वार पाठा, घी ग्वार, इंग्लिश में एलोवेरा, कॉमन एलोवेरा, संस्कृत में कुमारी, गृह कन्या, घृत कुमारी कहते हैं। एलोवेरा पौधे की ऊंचाई 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। अगर आप गमले या जमीन में एक एलोवेरा का पौधा लगाते हैं तो उसी एलोवेरा के पौधे से अनेक पौधे तैयार हो जाते हैं और वह सारे पौधे एक झुंड के रूप में होते हैं। एलोवेरा के पत्तों की बनावट, पत्ते नीचे से मोटे मांसल और आगे चलते चलते कम मांसल, संकरे और नुकीले होते हैं। पत्तों के दोनों तरफ के सतहों पर हल्के स्लेटी रंग के चकत्ते होते हैं। पत्तों के दोनों किनारों पर हल्के हल्के कांटे होते हैं। पत्तों के बीच से फूल का दंड निकलता है जिस पर पीले और नारंगी रंग के फूल खिलते हैं। एलोवेरा के फूल अक्टूबर महीने में खिलते हैं। फूल दंड पर बहुत सारी पंखुड़ियों के रूप में लगे रहते हैं। जो पंखुड़ियाँ अपरपक्व अवस्था में बंद और परिपक्व होने पर पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं। एलोवेरा के एक पौधे पर एक ही सिंगल दंड पर फूल की बहुत सारी पंखुड़ियाँ लगती हैं और एलोवेरा के उसी पौधे पर फूल लगते हैं जो पौधा एक से दो साल पुराना होता है। एलोवेरा का फूल औषधीय रूप से एलोवेरा की पत्तियों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके फूल को सुखाकर इसका पेस्ट बनाकर चेहरे के लिए फेस पैक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जले कटे पर फूल का पेस्ट लगाया जाए तो जले हुए स्थान पर दाग धब्बे नहीं रहते हैं। जिस स्थान पर चोट लगती है उस स्थान पर एलोवेरा का पेस्ट लगाकर वहां पे दर्द और वहां के दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए एलोवेरा के फूल का पेस्ट लगाने से जोड़ों का दर्द तुरंत ही खत्म हो जाता है।